अभी हम टायर उठाते हैं ना तो 90% चांस है कि हम पटकाएंगे। तो आज रिवील करेंगे अपना रियल नेम, एंड जैसा कि आप लोग चाहते थे हम अपना लीवर गार्ड लगवा लिए फिर से। मेरा नाम है मैं नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, चलो उठो उठो। बहुत हरामी है, इसको उठाना पड़ेगा। तुमको तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? यहीं पर रहना तुम, अभी उठेगा। कहाँ आ रहा है तुम, तुमको जाना है क्या? ए जाएगा, चलो तुम घर में रहो, तुम्हारे लिए ला देंगे खाने को। वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग गाइस, और आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आज 3 दिन के बाद निकले हैं घर से, और ऐसा लग रहा है मानो 1 महीने से बंद थे। जब हम पिकनिक से वापस आए थे तो मेरा थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा था, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग वहाँ मस्ती किए, इतना नहाए ठंडा पानी में कि गले में बड़ी खराश खराश वाला आ रहा था। मतलब सर्दी वर्दी तो हुआ नहीं, बट थोड़ा सा सिर दर्द भी हो रहा था, इसीलिए बस वीडियो एडिट किए, अपलोड किए और बस अपना घर में ही चिल कर रहे थे। सिग्नल है और वहाँ पे हम ज़्यादा स्पीड में चलेंगे ना तो पक्का पकड़ा जाएंगे। यहाँ पे तो भाई बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ है, ये देखो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रैफिक और लोग चलते हैं एकदम अंधाधुन, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। MT-15 ट्रैफिक में तो भाई इजीली तुम कर सकते हो, एकदम कहीं पे भी दाएं बाएं करके निकाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हल्की भी है और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी छोटा छोटा गैप रहता है वहाँ पे तुम इजीली घुसा के निकाल सकते हो। इसका डिसवांटेज हमको बस एक ही चीज़ का लगता है, वो है इसका पिछला ABS जो कि इन्होंने दिया नहीं है, बस आगे में ही है ABS, बट कोई नहीं इतना सह लेंगे। अरे भैया फाइनल डेस्टिनेशन वाला याद आ जाता है, कुछ भी ऐसे नुकीला चीज़ दिखता है ना, पूरा सनी डे लग रहा है आज तो, मस्त वाला धूप है, ठंडा भी उतना ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो अभी फ्यूल कराएंगे, आप लोग देख सकते हो मेरा लास्ट सेल बचा हुआ है, वो भी ब्लिंक कर रहा है। पावर का अभी 106, नॉर्मल 99.82, सो हम हमारा 200 का, और 200 में एग्जैक्ट 2 लीटर मिला अपने को, 2 सेल चढ़ा भी यहाँ पे, आप देख सकते हो 1 सेल तुरंत गिर गया भाई। खड़ा गाड़ी में ज़्यादा दिखाता है, जब चलते हैं तब एग्जैक्ट सेल दिखाएगा। चेक कर रहे थे ABS काम कर रहा है कि नहीं। जब से हम अपना ब्रेक शू चेंज कराया ना तब से मेरा बाइक का जो ब्रेकिंग है ना भाई तुरंत पकड़ ले रहा है पट से एकदम, और कभी कभी तो नॉइस भी आने लगता है क्योंकि अभी नया नया है, घिसा नहीं है, चोए चोए चर चर वाली आवाज़ आती है। एंड आप लोग बोलते हो कि क्या MT-15 ट्रैफिक में हिट करती है, तो मेरे को तो अभी तक उतना ज़्यादा हीटिंग इशू फेस नहीं करना पड़ा है। हम ज़्यादा ट्रैफिक में चले तो हैं, बट आप जितना ज़्यादा टोटल लोगे या जितना छोटा छोटा गियर में खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक में आपकी बाइक है वो हीट करेगी। जैसे कि ऐसे ऐसे करके पूरा कटिंग वटिंग मारते हैं लोग, वैसे में हीट करेगी भाई। हम पूरा साधारण टाइम से चलते हैं ट्रैफिक में, बट गर्मी के दिन में तो हम फील किए हैं भाई हीटिंग बहुत ज़्यादा। और उस टाइम तो मेरा बाइक भी नया था, और नया बाइक में स्टार्टिंग में तो रहता है हीटिंग इशू, सब बाइक में ही रहता है। अरे रुको चाचा, बस वालों के पास भी डिस्क ब्रेक होती है क्या भाई, अचानक से ब्रेक मार देते हैं। ओह ये सही था भाई, सही था सही था, लगे रहो मुन्ना भाई। सो हम आ चुके हैं नामकुम ग्राउंड, और पता नहीं हमको बहुत मन कर रहा है कि एक बार हम घुसे इधर, काफ़ी समय से आए नहीं हम। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो हम शुभम कैप्टन भैया के साथ आए थे, और वो काफ़ी समय पहले की बात है, सो क्यों ना आज यहाँ पे घुसा जाए। ये रेड फोर्ट तो आज पूरा खाली खाली लग रहा है, एयर प्रेशर भाई बहुत ज़्यादा है मेरा। अभी हम टायर उठाते हैं ना तो 90% चांस है कि हम पटकाएंगे, एंड जैसा कि आप लोग चाहते थे मैं लीवर गार्ड लगवा लिए फिर से, और सही लग रहा है फिलहाल तो। और ये जो लीवर है ये भी टूटा हुआ है, इसको हम एक ही बार चेंज कराएंगे दोनों साइड का। अभी काम चल ही रहा है तो क्यों पैसा खर्चा करेंगे, वैसे भी आजकल कंगाली चल रहा है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सारा पैसा अभी उड़ा दिए। हमको लेना था माइक अडेप्टर बट हम मुश्किलें भी नहीं कर पा रहे हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। और ये दीदी यहाँ पे स्कूटी सीखते हुए, ओ भाई चलो भाई यहाँ से निकला जाए। सो फाइनली आ चुके हैं रिंग रोड, और भाई सही रोड पर चाहिए था भागने के लिए। अब ना आ रही है पूरा रिंग रोड वाली फीलिंग भाई, कितना खतरनाक रोड था ये, पूरा उबड़ खबड़ हो रखा था।
अब जाके लग रहा है कि हाँ हम रिंग रोड में चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी गड्ढे वगैरह जो थे ना वो अब भर चुके हैं और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी। ब्लॉक कर दिया गया है शायद से, अभी आगे साइड काम हो रही होगी। एंड एक और चीज़ की स्टार्टिंग से ही भाई लोग मेरा नाम पूछ रहे थे, मेरा रियल नाम कि आपका रियल नाम क्या है, आप कभी बताते नहीं हो। आप लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते होगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि मेरा नाम क्या है, कहीं ना कहीं आप सुने होंगे हल्का सा, बट तो भी हम बता देते हैं कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है राज, नाम तो सुना होगा। और कुछ भाई लोग तो कमेंट भी करते हैं, डीएम भी करते हैं कि भाई क्या आपकी इनकम आ गई है भैया चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, इनकम की बात करते हैं आप लोग। अब इधर मिलने वाली है ट्रैफिक, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस वाला चला है ना अभी रांची में, रोड को तोड़ तोड़ के कबाड़ा कर दिया है। सो गाइस अभी सीधे निकले घर, क्योंकि आज हम लोग का घर में बस पापा हैं और दो मैया हैं छोटी छोटी, और हम बस चार ही, बाकी लोग सब घूमला गए हुए हैं। तो खाना पीना बनाने का सारा जिम्मेदारी आज हम उठाने वाले हैं, क्योंकि पापा से हम काम करा ही नहीं सकते। आपको एक नया रास्ता दिखाते हैं आज, यहाँ से लेंगे कट, ये बात। ये वाला गली से घुसेड़ गए, और यहाँ से निकल लेंगे मस्त, देख रहे हो मैजिक, इतना इजी था। आजकल ठंडा बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ा डेयरी मिल्क खिला के उन लोगों को सर्दी के चपेटे में नहीं लाना है भाई। सो, कुछ ऐसा रहा गाइस मेरा आज का दिन। आई होप आपको ये वाली ब्लॉग पसंद आई होगी। सो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गुदगुदी कर रही है तुम उसको, कुट नहीं करता है तुमको, एक तुम्हारा और एक तुम्हारा, हम खाए।